हेलो फ्रेंड, जैसा कि मैंने पिछले ट्रैवल ब्लॉग में आपको बताया था कि हमारी ट्रेन प्रयागराज संगम स्टेशन पर पहुंचने वाली है। अभी ये स्टेशन पर पहुंच चुकी है। देखिए भाई, अभी तो हमारी ट्रेन बहुत धीरे धीरे रुकने वाली है। उसके आगे हम संगम पर जाएंगे और वहां का आपको मैं दिखाऊंगी। तो फ्रेंड देखिए, फाइनली हम प्रयागराज संगम पहुंच गए हैं। और ट्रेन लेट आई थी तो लेट ही रही है फुल टाइम ट्रेन, इससे आए थे हम। पूरा सुबह का टाइम है, 8 बज रहे हैं लगभग। ये वेटिंग रूम है और हम लोग यहाँ पर काफ़ी देर हमने रेस्ट किया था और चाय बिस्किट और बच्चों के लिए दूध वगैरह सब हमने यहाँ कैंटीन से लिया था। काफ़ी बड़ा हॉल है और बेंचेस वगैरह भी बहुत अच्छी सी पड़ी है। उसके बाद हमने ऑटो हायर किए हैं आगे जाने के लिए। यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटो क्लिक किए थे सारी पूरी फैमिली के साथ और वो फ़ोटो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हमने यहाँ से ऑटो किया है और हम जा रहे हैं प्रयागराज संगम। वहाँ जाके हमें स्नान करना है और मुंडन कराना है भतीजे का। ये गलियाँ हैं इलाहाबाद की। फाइनली हम गंगा घाट पर पहुंच गए हैं, संगम के घाट पर। और हम सारी फैमिली पूरी पहुंच गई है। अब हम लोग नहाएंगे। ये मेरा भतीजा है और इसका मुंडन होना स्टार्ट हो गया है और ये अपनी दादी के गोद में बैठा है और ये बीच बीच में बोल रहा था कि मम्मी मुझे बचा लो, क्योंकि छोटा है तो बच्चे परेशान होते हैं। हम सारे लोग बैठे हुए हैं और ये थोड़ा हिलडुल ज़्यादा रहा था पर रोया बिल्कुल भी नहीं था और दादी की गोद में आराम से बैठा रहा था। और हम लोग भी साथ में बैठे हुए थे तो हमने जो है आपके बुआ आटे की लोई में बाल लेती हैं भतीजे के, तो हम दोनों बहनें बैठे हुए और मैंने हाथ में पकड़ा था, दोनों ने हाथ लगा लिया है। बाल कितने अच्छे लग रहे हैं काले। सब लोग बातें भी कर रहे हैं, उसको बहलाने की कोशिश कर रहे थे। बोल रहा हूँ मत खींच, पैर पकड़ लो। ये देखिए बड़ी शांति से बैठ के उसने अपना मुंडन करवा लिया है। इतनी तेज हवा चल रही थी, इतने काले काले बाल हैं, चोटी आ गई है इसमें। तो बड़े भैया पापा और बीच वाला भाई है। ये लोग फाइनली इनका पूरा मुंडन हो गया। ये देखो बचा ली मेरे बेटा, बचा। अच्छा लग रहा था गंजा होके। उसके बाद जो है हमने अपने लड्डू का भी मुंडन करवा दिया। इसका मुंडन हो चुका था लेकिन फिर हमने सोचा दूसरी बार इसको यहाँ संगम पे ही गंजा करा दे, तो उसको भी हमने करा दिया। तो वो थोड़ा परेशान हो रहा था, वो नहीं कराना चाह रहा था लेकिन फिर भी वो भी बैठ गया फिर शांति से। गंजे हो रहे हैं तुम्हारी तरह। और हमने उसको भी गंजा करा दिया। क्या करिए, अब इन दोनों का मुंडन होने के बाद हम नहाएंगे। सबसे पहले इन बच्चों को नहलाएंगे।
मैं नहा के तैयार हो गई हूँ और बाकी लोग भी सब तैयार हो रहे हैं और फिर हमने टीका लगवाए। उसके बाद जो है हम गंगा जी में दिया जलाते हैं और फूल वगैरह चढ़ाते हैं, तो मैं वो लेके आई थी लेकिन हवा इतनी तेज है कि ना तो दिया जला और ना ही गंगा जी में या हमारे फूल गए, क्योंकि वो पानी का बहाव वापस इधर को आ रहा था। कोई बात नहीं, प्रसाद चढ़ता है तो वो मैंने चढ़ा दिया। लो पंडित जी 10 रुपये और रखो, बेटी ने भी लगवाया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए पंडित जी टीका लगा रहे थे सबके। नहाने के बाद सब लोगों ने तिलक लगवाया था और मैंने लगाया था, मेरी बेटी ने भी लगवाया था, पर मैंने अपने पैसे दे दिए थे। बाद में मैंने फिर इनको बेटी के भी पैसे दिए थे और उसके बाद में हम लोग शीशे में देख रहे थे कि कैसे लग रहे हैं टीके, कैसे लगे हमारे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ गंगा जी पे संगम पे स्नान हो गया है, सब लोग नहा धो लिए, मुंडन भी हो गया है और हम यहाँ से जा रहे हैं स्टेशन, क्योंकि अब हम जाएंगे यहाँ से बनारस। तो प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और आपको बनारस के भी दर्शन कराऊंगी। इस टाइम पे हम प्रयागराज मेन स्टेशन पर अलावाद, यहाँ से हम बनारस जाएंगे। ये है अलाहाबाद मेन स्टेशन और हम लोग यहाँ ब्रिज पर हैं और यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही थी तो मैंने साइड का व्यू दिखाने की पूरी कोशिश करी है ब्रिज पर से। सब लोग खड़े हैं क्योंकि यहाँ हवा अच्छी चल रही थी और घर से अम्मा का फ़ोन आया था, किट्टू की अम्मा का वीडियो कॉल है सॉरी, तो वीडियो कॉल में दिखा रही थी कि बच्चे कैसे लग रहे हैं और सारे ही लोग हम लोग खड़े हैं। फिर उसके बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए। सारी ट्रेनें 4 घंटे लेट चल रही हैं, तो पिछले 4 घंटे से यहाँ पर कोई भी ट्रेन, इस प्लेटफॉर्म पे कोई ट्रेन नहीं आई है। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है, लोग इतने हताश हो गए, थक गए हैं कि बेडशीट बिछा बिछा के सब ट्रेन लेट गए। प्लेटफॉर्म पूरा घचाघच भरा हुआ है, हमारी ट्रेन भी प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आने वाली थी। कुछ टाइम पास कर रहे हैं सो के, कुछ टाइम पास कर रहे हैं गुफ्तगू करके और कुछ टाइम पास कर रहे हैं खेल के ऐलाने जंग। ये हवा बहुत तेज़ चल रही थी प्लेटफॉर्म पर और देखिए भीड़ भी बहुत है। उसके बाद जो अचानक से बारिश शुरू हो गई और सब लोग बहुत खुश हो गए थे, लेकिन ये बारिश सिर्फ 5 मिनट पड़ी थी और उसके बाद फिर बहुत गर्मी और उमस हो गई थी और काफ़ी गर्मी होने लगी थी। फिर हमारी बनारस जाने वाली ट्रेन पूरे 7 घंटे लेट थी, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हो गए थे और हमारे कुछ बनारस के प्लान्स थे जो कि पूरे हुए या नहीं हुए वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।